प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक हास्य कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जो अकबर और बीरबल के कहानियों में से एक है। आपका समय तो बहुत महत्वपूर्ण है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे चैनल को ग्रो करने की कोशिश करें आप लोग प्लीज़। सो ये कहानी एक समय की बात है जहां अपना अकबर सुबह सोकर उठते हैं और उनको बहुत प्यास लग जाती है और वे पानी के लिए आवाज़ लगाते हैं। दरबार में कोई उपस्थित नहीं था। कई बार आवाज़ देने के बाद एक दरबार की जो सफाई करता था सुना, उसने जापना के पास गया तो अकबर बोले, हमें बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। सफाई कर्मी ने जल्द से जल्द गया, पानी ला करके गिलास में दिया, पानी राजा ने पी ली। कुछ समय के पश्चात अकबर का तबीयत खराब हो गया। खराब होने के बाद सभी लोग परेशान, राजवैद्य बुलाए गए और ज्योतिषी भी बुलाए गए। वैद्यों ने दवा दी लेकिन उनका तबीयत कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर ज्योतिषी ने बताया कि इनको सबसे बहुत मनहूस व्यक्ति की, बड़े मनहूस व्यक्ति की छाया लग चुकी है। तो उन्होंने राजा से पूछा, क्या हुआ, कौन आया था? फिर राजा ने बोला, अकबर की फला व्यक्ति जो सफाई करता है, सफाई करने के लिए आया था, मेरे को प्यास लगी और मैं उसने पानी दिया, मैं पानी पी लिया और हमारी हालत ये हो गई है। राजा ने बताया, फिर ज्योतिषी ने, जो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसने बोला कि जहाँ अपना आपने जो जिससे पानी जिसके हाथ से पिया है वो बहुत बड़ा मनहूस व्यक्ति है, उसी का छाया पड़ गया है जो आपने सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया है। फिर राजा बहुत क्रोधित हुए और उस व्यक्ति को फांसी का सजा मुकर्रर कर दिया, फिक्स कर दिया कि फलाप डेट को उनकी फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग परेशान, उन्हें और वो सफाई कर्मी के घर वाले भी परेशान। फिर उन्हें सोचा क्या किया जाए। फिर जा करके उन्होंने जल्द जल्द जो अकबर का दरबारी बीरबल थे, दरबारी तो बहुत थे लेकिन बीरबल बहुत चालाक व्यक्ति था, और उन्होंने जाके वो उसके घर वाले परिवार जाकर मिले और मिलने के बाद बोले, ठीक है मैं मिलता हूँ, जहाँ अपना अकबर से मिलूँगा, बात करूँगा। फिर राजा से मिलने पहुँचे बीरबल। महाराज क्या हुआ, चुटकी लेते हुए बोले बीरबल। जहाँ अपना बोले कि बीरबल, मेरा तबीयत खराब है और तुम मजाक कर रहे हो, मेरा तबीयत खराब है। और जहाँपनाह बोले, अरे श्रीमान, हमें तो पता ही नहीं चला कि आपका तबीयत खराब है। फिर क्या हुआ, बीरबल पूछे। एक बड़ा मनहूस व्यक्ति का मैंने सुबह मुंह देख लिया जिससे मेरा तबीयत खराब हो गया है। पूरी बात बताई, जहाँपनाह ने उसका मुंह देखा, ऐसा बोला जहाँपनाह ने, लेकिन उसने आपको पानी पिलाया और आपका तबीयत खराब हो गया। बीरबल ने बोला, उसको फटाफट फांसी दे दी आपने, लेकिन जहाँ अपना उसने तो आपको, उसने आपका मुंह देखा और उसको फांसी की सजा हो गई। उससे बड़ा, सबसे बड़ा मनहूस तो आप हैं, आप अपने को फांसी नहीं देना, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम यानी हम लोग। राजा को बहुत परेशानी हुई और राजा का दिमाग खुला। राजा ने बोला, यार मेरे से बहुत गलती हो गई। फिर ज्योतिषी के ऊपर भड़के और
बोले उसको जल्द से जल्द कारागार से रिहा किया जाए और ये ज्योतिषी है तबेले में घोड़े की सफाई करने के लिए रखा जाए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ओके बुरबल, हमारा आपने मुंह खोल दिया, दिमाग खोल दिया, सो थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों यही मेरी आज की कहानी थी। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब आल्सो प्लीज़ टू ग्रो माई चैनल।